तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब वेयर स्टडी पॉइंट। इस वाली वीडियो हम देखने वाले संसाधन के रूप में लोग, जो कि आपका चैप्टर नंबर सेकंड क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक जो है हम कवर कराएंगे। जैसा कि आपको पता है, आपकी बुक में स्टोरी की तरह दे रखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स का प्रयोग कर रखा है, लेकिन ना तो वो स्टोरी आएंगी ना वो एग्जाम्पल्स आएंगी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, जो आपकी डेफिनेशन होती है और भी जो उसमें अच्छी चीजें हैं टॉपिक, वो आपकी आएगी पेपर में, तो वो सारी चीजें जो है हम इसमें कवर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका है सबसे इंपॉर्टेंट मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन के बारे में। तो मानव संसाधन का मतलब दोस्तों होता है, देखिए जैसे मानव है हम स्वयं, तो हम क्या एक संसाधन है, लेकिन हम दूसरों संसाधन से जो है बहुत ज्यादा उत्तम है। फॉर एग्जाम्पल जो है भूमि भी एक संसाधन है, फोन भी एक संसाधन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, संसाधन, लेकिन हम इन संसाधन से क्या है, उत्तम है, सबसे बढ़िया है। तो अगर हम बात करें अन्य संसाधनों से, दूसरों संसाधनों से उत्तम है हम, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो जो भूमि है या वो पूंजी है, तो वो संसाधन अपने आप से तो कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे इतने ज्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि हम अपना उपयोग खुद कर सकते हैं और वो अपना उपयोग खुद नहीं कर सकते। इसलिए जो मानव संसाधन है एक सजीव है, एक लिविंग थिंग्स है, ये क्रियाशील कारक है। तो इसलिए जो मानव संसाधन होता है वो सर्वोत्तम होता है, और आपको पता चल गया होगा मानव संसाधन क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मानव पूंजी के ऊपर में, कि जो मानव पूंजी है वो क्या होता है, दोस्तों देखिए जो मानव होता है ना उसके अंदर उसका गुण क्या है, वो उसका पूंजी होता है, ठीक है। मान के चलो मानव तो सब है, लेकिन उसमें क्या टैलेंट है, उसके अंदर क्या कला है, उसके अंदर वो उसकी पूंजी होती है, और वही पूंजी उसको जो है पैसे देती है अगर वो उसका यूज किसी और चीज में करते हैं। जैसे मान के चलो आप एक टीचर है, जैसे हम है, तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर हमने जो है पढ़ाई कर रखी है, तो आपको जो है पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या है, हमारे अंदर वो कौशल है जिससे हम आपको पढ़ा सकते हैं, तो वही होता है मानव पूंजी। आप में अलग टैलेंट होगा, सभी लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है मानव पूंजी, उस मानव के अंदर क्या उसके गुण है, क्या उसके पास कौशल है। मानव पूंजी कौशल, उसमें निहित उत्पादन का ज्ञान है, उस स्टॉक को कहते हैं, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। आपके अंदर भी कोई ज्ञान होगा, कौशल होगा, ठीक है, तो वो आपकी पूंजी है जो आपको आगे चलकर आपको फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि मानव पूंजी को बढ़ाया कैसा जाता है, तो सेम है, आप इन सब जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को आप बढ़ा दो, उस टैलेंट को आप ग्रो करो, जिस भी फील्ड में आप अच्छे हो उस टैलेंट को आप पॉलिश करना चालू कर दो, ठीक है। इसी में आ जाता है हमारा एक क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण, कि अगर आपके पास है मानव, आपके अंदर पूंजी है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप उसको कैसे बढ़ाओगे। मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा से या स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जा सकता है। कोई भी टैलेंट है तो आप उसको विकसित करिए, तो अगर वो चीज बढ़ रही है तो वो मानव पूंजी निर्माण कहलाएगी, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, वो क्या है, अर्थव्यवस्था में अलग अलग काम करने के लिए तीन प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया। आपको पता ही होगा तीन प्रमुख क्षेत्र जो है वो कौन कौन से होते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब हम क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझेंगे एकदम डीप से, होता क्या है, कौन से काम आते हैं, फिर समझेंगे हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में, और फिर तृतीय के बारे में कि इसमें क्या आता है, क्या काम इसके अंतर्गत जो है वो होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। तो जो भी क्रिया है जो बिल्कुल भूमि से स्टार्ट हो रही हो, यानी उसमें वो जो क्रिया होगी उसमें जमीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी और जल की भी आवश्यकता होगी, तो जो सीधे तौर से जमीन से भी और जल से भी जुड़ी हुई हो, ऐसी क्रियाओं को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कृषि, कृषि में देखिए जमीन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, जमीन ही नहीं होगा तो जो किसान है वो खेती कहाँ करेगा। पशुपालन, ठीक है, पशुपालन में भी इन सब चीजों की जरूरत है, कृषि में पानी की भी जरूरत है सिंचाई के लिए, और इन सभी चीजों में क्या है, सीधे भूमि और जल की आवश्यकता होती है। तो जिस भी काम में, जिस भी क्रिया में भूमि और जल की आवश्यकता होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र के बारे में, कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, तो अगर कुछ भी नई चीज बनानी हो, ठीक है, कुछ चीज निर्माण करनी हो,
उत्खनन से रिलेटेड, कोई नई चीज निर्माण करने से रिलेटेड अगर कुछ आए तो उसे हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गन्ने का रस है, ठीक है, जो गन्ने का रस है उसका प्रयोग कर हम चीनी बनाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, गन्ने के रस से एक नई चीज का निर्माण हो रहा है और वो क्या है, वो चीनी बन रही है। तो ऐसा काम किस चीज में आ रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है, तो ऐसी चीजों को हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, तो सेवाओं से जुड़ी क्रिया है, यानी एक ऐसी चीज जिसमें हम केवल सेवाएं प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हम वस्तु प्रदान नहीं करते, ठीक है, उसमें वस्तु का क्रिया नहीं होता, उसमें सेवाओं का होता है। हम बहुत सारे लोगों से सेवाएं लेते हैं और बदले में हम उसे पैसे देते हैं, तो वो जो सारी क्रियाएं सेवाओं से जुड़ी हुई होती है, जैसे व्यापार, पर्यटन, सेवा इत्यादि सारी चीजें, उसे हम तृतीय क्षेत्र के अंदर जो है वो रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से प्राथमिक, द्वितीय का, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर, और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं बेरोजगारी की, कि बेरोजगारी जो है वो क्या होती है। हमें पता है बेरोजगारी क्या होती है, लेकिन जब इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, आप इसे यहां पर समझिए। वह दशा, या आप इसे स्थिति भी कह सकते हो, वह दशा या स्थिति जब क्या है, वो बंदा प्रचलित मजदूरी दर पर, प्रचलित मजदूरी दर क्या होता है, जो उस समय में फेमस एक रेट चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई बंदा लेबर है, ठीक है, तो उस समय मार्केट में जो है लेबर का जो पैसा है वो एक दिन का 300 रुपए होगा, ठीक है, तो ये होगी प्रचलित मजदूरी दर, यानी उस समय में 300 रुपए चल रहा है। तो जब वह बंदा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है कि हाँ मैं काम करूंगा इसी दर पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रोजगार नहीं मिलता, उसे काम नहीं मिलता, तो इसे कहते हैं हम बेरोजगारी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि ये मौसमी बेरोजगारी है, इसका मतलब मौसम के अनुसार, यानी कुछ मौसम ऐसा होगा जहां पर इसको काम मिल रहा होगा और कोई मौसम ऐसा आ जाएगा साल का जिस समय इसको काम नहीं मिल रहा होगा। तो जिस समय इसको काम नहीं मिल रहा होगा बंदे को, उस समय मौसमी बेरोजगारी की स्थिति होगी। जैसे आपने देखा होगा कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मौसम के अनुसार, यानी कुछ महीने होते हैं साल के उसमें वो ट्रेंड में चलते हैं, और कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें वो पूरा का पूरा काम जो है रुक जाता है, तो जिसमें रुक जाता है काम वो मौसमी बेरोजगारी होता है, ठीक है, यहां पर समझिए। जब लोग वर्ष के कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते उस समय वो बेरोजगार होते हैं, उस समय की स्थिति मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम यहाँ पर प्रजनन बेरोजगारी के बारे में। ये क्या होता है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत होता है कि यहां पर देखिए कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी फैक्ट्री है, ये आप कह सकते हो कोई ऐसी फील्ड है जहां पर बंदों को काम पर लगाना है, लेकिन वहां पर जरूरी है केवल 4 व्यक्ति, यानी कि 4 व्यक्ति इन चारों कोनों का जो काम है वो संभाल लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर क्या है 8 बंदे लगाए हुए हैं, यानी एक सेक्टर को संभालने के लिए 2 बंदे, जबकि एक बंदा भी संभाल सकता है, ठीक है। तो उस समय वहां पर जो स्थिति होती है वो प्रजनन बेरोजगारी कहलाती है, यानी 4 बंदे तो वेस्ट हो रहे हैं, तो यही होता है प्रजनन बेरोजगारी। और आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, लगता है कि काम जो है वो हो रहा है सबका, जैसे जहां पर 4 व्यक्तियों के काम की जरूरत होती है वहां पर 8 व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, तो वो 4 व्यक्ति जो है वो एक तरह से वेस्ट हो रहे होते हैं, तो उस समय की जो स्थिति होती है उसे प्रजनन बेरोजगारी कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों शहरी बेरोजगारी के बारे में, तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा शहरों के अंतर्गत जो लोग होते हैं उन्होंने कई प्रकार की डिग्रियां हासिल कर रखी होती है, उनको जितना पढ़ना था वो सभी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई किसके लिए की है, रोजगार पाने के लिए, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, तो इसे हम कहते हैं शहरी बेरोजगारी। और ये नाम से ही पता चल रहा है ये कहां पर पाई जाती होगी, ये शहरों में पाई जाती है, इसलिए इसको शहरी बेरोजगारी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में जो लोग वहां पर शिक्षित है, पढ़ रखा है उन्होंने पूरा का पूरा, लेकिन उसके बाद भी वो बेरोजगार है, एक सामान्य परिघटना, एक नॉर्मल सी बात हो गई है ये कि वो मैट्रिक पास है या वो 12th पास है, समझ रहे हो आप, यानी उसको जितना भी पढ़ना था वो पढ़ चुका है और
उसको जितनी भी अपनी डिग्रियां हासिल करनी थी, बीएड करना था, जो भी करना था वो कर चुका है, डिग्रियां वो प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोजगार पाने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं यहां पर और देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक किस प्रकार भिन्न होते हैं। यानी कि मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया था और मैंने आपको द्वितीयक क्षेत्र के बारे में भी बताया था कि, लेकिन अब हमें किस प्रकार क्वेश्चन आया है, हमारा क्वेश्चन आया कि इन दोनों के बीच में आप अंतर बताइए। तो आपको जब पेपर में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करना है, यहां पर आप लिखोगे, एक लाइन खींचोगे और यहां पर लिखोगे प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, और यहां पर आप लिखोगे द्वितीय क्षेत्र, और फिर इन दोनों में आप क्या करना है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर के अनुसार आपको उसको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ऐसे क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पर दो चार पॉइंट और यहाँ पर आप दो चार पॉइंट जो इसके लिखोगे, तो इसके इस प्रकार से आपको पेपर में लिखोगे तो आपके नंबर जो है वो बेहतर आएंगे कंपेयर करें दूसरों से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, सीधे वह क्रिया है जो भूमि से जुड़ी हुई हो या जल से जुड़ी हो, जैसे कृषि, ये होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आता है। प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई चीजों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि वह चीजें जिसे हम खुद नहीं बना रहे, प्राकृतिक ने हमें उपहार के रूप में दे रखा है, उन्हीं वस्तुओं पर आधारित होती है, जैसे भूमि है, जल है, तो ये तो हमें खुद से तो नहीं बनाई हमने, ये क्या है, ये हमें प्राकृतिक द्वारा मिली हुई है। बात करें हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट को, तो यहाँ पर आप उदाहरण ले लीजिए, लास्ट में आप उदाहरण लीजिए, उदाहरण फ्री के होते हैं और हमें पता होते हैं, उदाहरण लीजिए, ये भी आपका एक अच्छा पॉइंट बनेगा। कृषि, फॉर एग्जाम्पल कृषि, पशुपालन, खनिज या मत्स्य पालन, ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ आप उदाहरण ले सकते हो, आपका जो आंसर है उसको और ग्लिटर कर देगा। बात करते हैं हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, वह क्रिया है जो निर्माण के कार्य से जुड़ी हुई है। अभी आपको मैंने आपको बताया था वह क्रिया है वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी हुई हो, इसमें क्या होगा, एक कोई नई वस्तु बनकर सामने आएगी, तो वो द्वितीय क्षेत्र होगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा है ना, वो इसमें कच्चे माल के रूप में काम करेगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, ठीक है, कृषि, अब इससे क्या बना, इससे गन्ना निकला, कृषि करके हमने गन्ना बनाया, अब उस गन्ने के रस से अब चीनी बनेगा, तो वो सेकेंड वाली जो चीज है, जो चीनी बनने का काम आएगा, निर्माण हो रहा है, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम इसके यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, उद्योग, ठीक है, कागज तैयार करना, कपड़ा, ये सारी चीजें तैयार करना, यानी कि निर्माण करना, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। बस अपना आंसर खत्म। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत में बेरोजगारी के कारण बताओ, भारत में आखिरकार बेरोजगारी है तो क्यों है, ठीक है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है बढ़ती जनसंख्या। अब ये क्यों है दोस्तों, इसको समझिए आप यहां से, बढ़ती जनसंख्या क्यों है, देखिए कहीं पर क्या है, 100 जॉब्स निकली है, ठीक है, 100 वहां पर सीट्स है, और अगर जनसंख्या कम होती है हमारे भारत में तो यहां पर क्या है, कम लोग अप्लाई करते, कितने लोग अप्लाई करते, यहाँ पर 1000 बंदे अप्लाई करते, ठीक है, तो उनमें से 100 बंदों को मिल गई ये जॉब, बाकी जो 900 बंदे बच गए उसको कोई और जॉब मिलेगी, वो कहीं और अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अगर 100 जॉब है तो यहाँ पर 1,00,000 बंदे उसे अप्लाई करते हैं, तो आप सोच सकते हो कितने बंदे बेरोजगार रहेंगे। तो जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हम जनसंख्या के ही कारण हमारे भारत में जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा कारण आप इसे कह सकते हो, ठीक है, और भी कारण है। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में विकास की जो गति है वो धीमी है, कृषि क्षेत्र का जो विकास है वो बहुत स्लो तरीके से हो रहा है। आपको पता है हरित क्रांति ने तेजी लाई थी लेकिन वो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था, कुछ क्षेत्रों तक और कुछ फसलों तक ही सीमित रह गया था, लेकिन ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कृषि क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो बहुत धीमा हो रहा है, और इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र का भी यही हाल है। औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है ना जो तीव्र विकास करता है, तो यहाँ पर क्या है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र जो है और सेवा क्षेत्र जो है ये भी एक लिमिटेड है, ये भी धीमे है, एक सीमित जगह पे है सिर्फ, ठीक है, सीमित है ये भी। अगर हम बात करें तकनीकी की तो तकनीकी के मामले में भी हम अव्यवस्थित है, अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे, जबकि ये सारी चीजें अभी ग्रो हो रही है, पहले से बेटर हो रही है, लेकिन उतनी बेटर नहीं हो पाई है कि हम इसे बहुत बढ़िया कह सके, तो तकनीकी विकास भी अभी
अव्यवस्थित चल रही है। तो ये सारे ये जो चारों पॉइंट है ना, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बढ़िया आपके जो नंबर आएंगे अगर इस प्रकार से आप करते हो। वीडियो यहाँ पर आपकी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को कर सकते हो एक लाइक, ठीक है, कमेंट करके आप जो अपने सुझाव दे सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और साथ ही शेयर कर दे अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनको इन सब चीजों में प्रॉब्लम आती हो, और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा आपको, आप उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।